नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10 की घात के महत्वपूर्ण मानों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपसे 3 प्रश्न पूछे थे, उम्मीद करता हूँ कि आपने उनके कमेंट बॉक्स में कमेंट किए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप बीच में देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिख रखा है मीटर, फिर लिखा हुआ है लीटर और लास्ट में लिखा हुआ ग्राम। तो हमें इस वाले चीज़ को बेस मान के चलना है, मतलब ये हमारे इस जितनी भी यूनिट लिखी उनका बेस है, आधार है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि स्टार्टिंग की जो जितनी वैल्यू मैंने लिख रखी है, मतलब इस मीटर, लीटर और ग्राम से जब आप ऊपर जा रहे हो तो इन दोनों के बीच में कौन है, डेका, ये वाला हिस्सा। तो ये वाला गैप हमारा फिल होता है 10 की घात 1 से। अभी मैं पहले आपको बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद आपको समझना है इसको किस प्रकार से ये क्वेश्चन ईजी बन जाता है आपका। फिर ये भी कितना होता है 10 की घात 1 से। ठीक है, पहले मैं 3-3 करके आपको समझाना चाहूँगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो जाता है यदि इसको ठीक से नहीं किया जाए तो। इसी प्रकार से मीटर और डेसी के बीच का जो गैप होगा ये भराएगा 10 की घात 1 से। इन दोनों के बीच का गैप फिल होता है 10 की घात 1 से, और इन दोनों के बीच का गैप फिल होता है 10 की घात 1 से। सबसे पहले हमें ये तीनों बातें याद रखनी है, ऊपर के 3 ये गैप और नीचे के 3 ये गैप। अब इसमें हमें जो बात याद रखनी होती है वह क्या होती है कि जब भी आप ऊपर वाली यूनिट से, यहाँ से ऊपर वाली यूनिट से नीचे की तरफ आना चाहते हो, मतलब जैसे मैंने आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे कि आप मुझे बताएं कि 1 किलोग्राम में कितने सेंटीग्राम होंगे, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ के लिए पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन है कि कितने सेंटीग्राम होंगे। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो जो भी 10 की घात के मान हैं, कब, जब आप ऊपर से कहाँ रहे, नीचे की तरफ, तो जो भी 10 की घात के मान हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, पॉजिटिव में। और जब मान लो आप नीचे से कहाँ जा रहे हो, ऊपर की ओर, तो 10 की घात के मान काय में लिखे जाते हैं, माइनस में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम इस बात को कंफर्म करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है 1 किलोग्राम, तो मतलब किलो ये लिखा है और ग्राम ये यूज़ करना है हमको, या तो किलोग्राम होगा या किलो लीटर होगा या किलो मीटर होगा, क्योंकि उसने यूज़ किया ग्राम तो इक्वल टू में भी ग्राम ही रहेगा। अब आप खड़े हो यहाँ पर, कहाँ पे खड़े हैं आप, यहाँ पर खड़े हैं। आप आना कहाँ पर चाह रहे हो, सेंटीग्राम तक, तो आप आना चाह रहे हो यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आपने कौन सा रास्ता चूज़ किया है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे आ रहे हैं आप, तो 10 की घात काय में आती है, प्लस में, तो यहाँ पर लेंगे 10 की घात प्लस। अब आप काउंट करें कितने 10 आप चले, 1 2 3 4 5, और ये अब कहाँ पहुँच गया, सेंटी। तो 1 किलोग्राम में 10 की घात प्लस 5 सेंटीग्राम होते हैं, ये बात आपको इसमें याद रखनी है। ऐसे ही मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दूँ, यदि मैं आपसे पूछूँ कि 1 हेक्टोमीटर में कितना डेसीमीटर होगा, क्या पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि 1 हेक्टोमीटर में कितना डेसीमीटर होगा, ये बात आपको इसमें बतानी है। अब फिर से आप जान लीजिए आप कहाँ पे खड़े हैं, अभी हेक्टो के पास, ये रहा हेक्टो, यहाँ पे खड़े हैं आप, आना कहाँ चाह रहे हैं, डेसी के पास, तो ये लिखा है डेसी। आ कैसे रहे हो, ऊपर से नीचे, तो 10 की घात काय में आती है, प्लस में। कितना चले आप, 1 2 और 1 ये 3, और कहाँ पहुँच गया, डेसी। तो 1 हेक्टोमीटर में 10 की घात प्लस 3 डेसी मीटर होते हैं। चलिए अब इसका इनवर्स वाला क्वेश्चन कर लें कि यदि मैं आपसे पूछूं कि 1 मिली लीटर में कुल कितने हेक्टोलीटर होंगे, कितने हेक्टोलीटर होगा वैल्यू, ये हमें इसमें बतानी होती है। सबसे पहले आप देखिए कि इस तरफ कहाँ कौन सी वैल्यू दी है, मिली लीटर,
ये लिखा है मिली और ये स्केलेटन, तो आप खड़े हैं यहाँ पर, जाना कहाँ चाह रहे हो, हेक्टो के पास में, तो ये लिखा है हेक्टो। अब यहाँ से आप नीचे से कैसे जा रहे हैं, ऊपर, तो मैंने बताया जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेन की जो पावर होती है वो माइनस में लिखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे टेन और क्या लिखेंगे, माइनस। अब नीचे से ऊपर जाने के लिए आपने कितने दस कवर किए, तो एक दो तीन चार पाँच और आप पहुँच गए हेक्टो पे, तो एक मिली लीटर में 10^-5 क्या हो जाता है, हेक्टो लीटर हो जाता है। तो ये इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि हमें इसमें याद रखना है। अभी तक हमने केवल इस बेस से तीन वैल्यूज ऊपर और तीन वैल्यूज नीचे के लिए क्वेश्चंस किए हैं, अब इसी में हम थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हुए सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैंने इसमें कंप्लीट लगभग 6-7 वीडियो आप लोग उसमें जो पॉइंट है वो बना के दिए हैं। अब जब आप आगे बढ़ते हैं तो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है ये फिल होता है किससे, 10^3 से, ये गैप 10^3 से, ये वाला गैप 10^3 से, और लास्ट वाला गैप भी कितना होता है, 10^3। अब इस पैटा के ऊपर कोई और टर्म नहीं लिखा तो हम केवल यहीं तक आके रुक जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे मैंने ऊपर फिल किए, सेम टू सेम हम इन्हीं चीज़ों को कहाँ फिल करेंगे, नीचे की ओर फिल करेंगे। जैसे इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा, 10^3, इन दोनों का गैप 10^3, इन दोनों के बीच का गैप 10^3 एंड सो ऑन, ये वाला, और यहाँ पे आके ये क्या हो जाता है, हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब नीचे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने आपके लिए, तो ज़रा उन पर अपन गौर फरमाते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है यहाँ पे, अब ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे, एक फर्मी मीटर में कितने मीटर होते हैं, चलिए ज़रा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में इस तरफ देखें क्या लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है फर्मी मीटर, तो ये लिखा है हमारे पास फर्मी, और जाना कहाँ है हमें, ओनली मीटर तक जाना है, यहाँ से हमें जाना है मीटर तक। तो सबसे पहली बात आप देखिए कि नीचे से आप जा रहे हैं ऊपर, तो मैंने आपको बताया था नीचे से ऊपर जाने के लिए वैल्यू क्या लिखते हैं, 10^-3 माइनस में, तो 10^3 क्या लिखेंगे पहले तो आप माइनस। अब मुझे बताएं यहाँ से यहाँ तक जाने में आपने 10^3 चली, तो 3, 3 6, 3 9, 3 12, 13, 14 और 15, अब ये वैल्यू कितनी आती है जोड़ने पे, 15। और ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम्स में कई बार क्या हो गया, रिपीट किया गया है कि एक फर्मी मीटर में कितने मीटर होते हैं, तो ये बात हमें इसमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ क्योंकि ऊपर जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा क्वेश्चन आप माइंड करके पढ़ें इसको कि 1 किलोमीटर पूछ रहा है और जाना क्या है हमको मिलीमीटर में, तो चलिए थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं जिससे हमको इजीली ऊपर वाला क्वेश्चन दिखाई दे, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो दिखना चाहिए हमें। अब देखिए आपसे पूछा है क्वेश्चन में 1 किलोमीटर, तो ये लिखा है किलो और आना कहाँ है आपको, मिलीमीटर के पास में, तो ये क्वेश्चन अपन ने इसके अकॉर्डिंग इसमें सॉल्व करके ये नीचे जरूर लिखा है, यहाँ पे इसको कर लेते हैं। किलो से आपको आना है मिली की तरफ, ये रही मिली, तो आप ऊपर से आ रहे हैं कैसे, नीचे, तो जो सॉल्यूशन आप लिखेंगे इसमें लिखेंगे कि 10^3 है वह कैसी आएगी, प्लस में, तो मैंने यहाँ लिख दिए, अभी नीचे करके मैं आपको ये बता दूंगा। बस अब एक बार काउंट कर लें कि 10 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे आप आके मिली के पास पहुँच जाते हैं। तो मैंने नीचे मेंशन कर दिया है कि 10^3 जो पावर है प्लस में है, और जब उनको 10 को हमने काउंट किया तो वैल्यू कितनी निकल के आई, 6। तो इस तरीके से हम जो 10 के अलग अलग मान होते हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। चलिए इसके 2-3 क्वेश्चन और मैं आपको करा दूं जिससे आपको करने में हेल्प हो जाए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं और 1 मेगामीटर में
कितने मीटर होते हैं। अब देखिए माइक्रो की बात यहाँ पे की जा रही है क्वेश्चन में, और क्या पूछ रहा है मीटर। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है माइक्रो बेसिकली, और इधर आप देख पा रहे होंगे ऊपर कि हमें पूछा किसका है मीटर का। तो आपको पता है कि माइक्रो से ऊपर पड़ता है मीटर हमारा, तो नीचे से ऊपर जाने पर वैल्यू काय में आती है माइनस में। अब जरा थोड़ा नीचे करके हम इसको जान लेते हैं कि वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। अब देख लीजिए इतना आ जाएगा, माइक्रो से आप जा रहे हो मीटर तक, तो नीचे से गए ऊपर तो 10 की हद क्या हो जाएगी माइनस, जो कि मैंने इसमें ये लिख दी है। अब कितना चले 3, 4, 5 और एक कितना जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो सही आंसर होगा कि एक माइक्रोमीटर में कितने मीटर बनते हैं, तो आंसर हो जाएगा माइनस का 6, 10 की घात माइनस 6 मीटर। इसी प्रकार से हम एक मेगा मीटर में कितने मीटर होते हैं उसको फाइंड कर लेंगे, तो ये वैल्यू निकलती है 10 की घात प्लस की 6। इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और इसमें चार क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे दे रहा हूँ कि आप इन क्वेश्चन को घर पे होमवर्क करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए पहला यंत्र पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है अमीटर। अमीटर का क्या काम होता है? हमारे घर में जो विद्युत धारा फ्लो होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जलती है, तो उसका मेजरमेंट करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं या जिस उपकरण का उपयोग हम करते हैं उस उपकरण को ही हम अमीटर कहते हैं। तो विद्युत धारा का मापन जिस यंत्र की सहायता से किया जाता है वह अमीटर कहलाता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन रहेगा जो आपको याद रखना है कि जो विद्युत धारा होती है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको ये मेजरमेंट वाले चैप्टर में इसको अच्छे से पढ़ाया था। तो इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर, ठीक है। सेकंड है इसमें गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? देखो ये क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का काम भी क्या होता है, विद्युत धारा को मापने का, वशर्ते इसमें अंतर यह होता है कि गैल्वेनोमीटर जो होता है छोटे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापता है, और जो ये अमीटर होता है ये बड़े आकार के जो विद्युतीय परिपथ होते हैं जो बड़े लोड वाले होते हैं उनको मापने का काम करता है, या उनमें जो विद्युत धारा होती है उनको मेजर करता है। तो दोनों बातें आपको इसमें याद रखनी है। तो छोटे विद्युतीय परिपथ में विद्युत धारा का मापन जिस यंत्र की सहायता से किया जाता है उसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं, और यहाँ पर फिर से विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या बन जाएगा? एम्पियर, ठीक है। चलिए थर्ड है आपका अमीनोमीटर। अब अमीनोमीटर क्या होता है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो एयर है जिसे हम हवा भी कहते हैं, इसकी यदि चाल है, यदि ये हमारे वायुमंडल में फ्लो हो रही है बहुत तेज़ी से, तो इसकी जो चाल, इसके द्वारा हमारे शरीर पे लगाए जाने वाला बल और इसकी जो पावर है, शक्ति जो है, इसका यदि हमें मेज़रमेंट करना है तो वो किसकी सहायता से किया जाता है? अमीनोमीटर की सहायता से किया जाता है। तो तीनों बातें हमें इसमें याद रखनी है। फोर्थ है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? हमारे वायुमंडल में जितनी भी वायु हैं वह वायु हमारे शरीर पर प्रति इकाई क्षेत्रफल जो दाब लगाती है या फिर जो बल लगाती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब का यदि मापन करने की बात की जाती है तो इसे बैरोमीटर नाम के एक इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल, और हम पास्कल को एक और नाम से ले सकते हैं न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और एक अन्य मात्रक भी होता है इसका जिससे अपन बोलते हैं बार। तो ये तीन यूनिट होती हैं जो कि दाब के लिए लिखी जाती हैं। सबसे पहले पास्कल, दूसरी है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, और थर्ड है बार। तो इन तीनों इकाइयों की सहायता से हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बोलोमीटर। बोलोमीटर क्या काम होता है? कि विकिरण की जो ऊर्जा होती है, सूर्य के किरण की जो एनर्जी है
उसका यदि हमें मेज़रमेंट करना है, या आप सामान्य से शब्दों में कहें कि यदि हमें तापमान को मापना है तो हम किस यंत्र से नापेंगे। देखिए दो तरीके होते हैं, एक जैसा कि नीचे लिखा है उच्च तापमान, और ये कौन सा तापमान है, विकिरण की ऊर्जा का तापमान। यदि नॉर्मली आपको केवल तापमान कहेगा तो आंसर होगा बोलोमीटर, यदि आपसे कहे विकिरण की ऊर्जा के तापमान का मापन तो भी आंसर क्या होगा, बोलोमीटर। परंतु यदि आपसे कहे कि उच्च तापमान का मापन किस यंत्र से किया जाता है तो उस केस में इसका आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। क्या आंसर बनेगा हमारा, पायरोमीटर। इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पायरोमीटर क्या है। सामान्यतः क्या होता है कि जो सन है इसकी जो सतह है इसका तापमान है लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस, जो कि एक हाई टेम्परेचर है। क्या है, हाई टेम्परेचर, और ये किसका टेम्परेचर है, सन का, सन के सरफेस का, मतलब उसकी सतह का क्षेत्रफल, सॉरी उसकी सतह का तापमान। तो उच्च ताप का मापन पायरोमीटर की सहायता से किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें फैदोमीटर। फैदोमीटर क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि एक फैदम बराबर कितना होता है, तो शायद आपने अच्छे से पीछे पढ़ा होगा कि फैदम जब मैंने पढ़ाया था तो एक फैदम का अर्थ होता है 6 फीट। क्या होती है वैल्यू, 6 फीट। जब हम बात करते हैं समुद्र में गहराई मापने की, तो पानी के अंदर या समुद्र के अंदर जाकर उसकी गहराई को मापने के लिए हम जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उस यंत्र का नाम होता है फैदोमीटर, और इसमें एक इकाई चलती है, एक फैदम बराबर 6 फीट। तो ये इतनी बात आपको इसमें अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका है 8th, उसके बारे में बात करते हैं, क्रेस्कोग्राफ। अब ये क्या होता है इसके बारे में अपन जानते हैं। जैसा कि आपने नाम सुना होगा कि पेड़ पौधे जब लगाए जाते हैं तो समय के साथ उनमें क्या होती है, वृद्धि होती है। तो पेड़ पौधों में वृद्धि होना, उनकी आयु बढ़ना, उनमें ग्रोथ होना, तो उनको जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेज़र करते हैं उसका नाम क्या होता है, क्रेस्कोग्राफ। और एक और नाम आपने सुना होगा कि पेड़ का जो तना होता है, ये तना मान लो इसके चारों ओर अंदर तरफ ऐसी गोल गोल वलय बनी होती हैं, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, एनुअल रिंग्स, या फिर हिंदी में कहें तो वार्षिक वलय। क्या कहते हैं इनको अपन, वार्षिक वलय। और ये जो वार्षिक वलय हैं, एक जो रिंग होती है ये हमें बताती है एक वर्ष के समय को। यदि किसी पेड़ के तने पर, यहाँ पर इस वाले हिस्से में एक रिंग बनी है, इसका मतलब है उस पेड़ की आयु एक वर्ष है, ठीक है। तो पेड़ पौधों की वृद्धि का मापन क्रेस्कोग्राफ के द्वारा किया जाता है। एक और चीज़ इसमें निकल के आती है, मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि यदि आपसे पूछें कि पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने की जो शाखा होती है उसका नाम क्या होता है, तो इनकी जो शाखा का नाम है वह क्या, डेंड्रोक्राइनोलॉजी। इसे क्या बोलते हैं अपन, पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने वाली शाखा। जैसा कि अपन ने ये निकाला वार्षिक वाले, तो ये सब चीज़ें काय में आती हैं, डेंड्रोक्राइनोलॉजी में। और ये वाली चीज़ क्या जाती है कि पेड़ कैसे ग्रोथ कर रहा है, उसकी मेजरमेंट क्रेस्कोग्राफ के द्वारा होती है। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या होता है, हमारे मौसम में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और उस गर्मी में कुछ पानी की बूंदें मिल जाती हैं गर्म वायु में, तो क्या होता है, उससे स्टार्ट होती है नमी, जिसे अपन बोलते हैं ह्यूमिडिटी, और हिंदी में कहते हैं आर्द्रता। तो जब हमारे एटमॉस्फेयर में आर्द्रता होती है, और या इसी को अपन कहें आगे आपेक्षिक आर्द्रता, तो इन दोनों का मापन जिस यंत्र की सहायता से किया जाता है उसे अपन बोलते हैं हाइग्रोमीटर।
तो ये बात हमें इसमें याद रखना है। नंबर 10 पर है लैक्टोमीटर। ये सभी लोगों ने लगभग बचपन से पढ़ा होता है इसको, मतलब 9th-10th में इसको पढ़ लेते हैं। तो लैक्टोमीटर क्या होता है कि दूध की शुद्धता का मापन, एक उपकरण होता है जिससे ये पता लगाया जाता है कि दूध में पानी मिला है या नहीं मिला, या किसी भी प्रकार की उसमें मिलावट की गई है कि नहीं की गई है। तो दूध की शुद्धता का मापन, या फिर इसी को कहें कि दूध का आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी, तो इन दोनों को मापने का काम किसका होता है? लैक्टोमीटर का होता है। ये बात आपको इसमें अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का काम क्या होता है? जैसा कि आपने सुना होगा कई बार कि पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर ये विमान उड़ रहा है, तो हमें ये बात कैसे पता चलेगी कि जिस ऊंचाई पे वह विमान उड़ रहा है उसे कैसे पता करेंगे अपन? तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, इसका नाम है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का काम केवल इतना होता है, यदि हवा में कोई भी वाहन उड़ रहा है या कोई विमान उड़ रहा है या पक्षी भी उड़ रहा है, तो वह पृथ्वी की सतह से कितना ऊपर उड़ रहा है, तो उसकी ऊंचाई का मापन हम जिस यंत्र की सहायता से करते हैं उसे अपन कहते हैं अल्टीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन का मतलब क्या होता है? जैसा कि यदि हम इसके नाम को एलैबोरेट करें तो हाइड्रो या फिर हाइड्रा मतलब वाटर, और फोन मतलब क्या होगा? फोन ही रहेगा, मतलब एक हमारे पास इस प्रकार का उपकरण है जो कि पानी के अंदर जाकर ध्वनि को रिकॉर्ड करता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है रिकॉर्डिंग। तो पानी के अंदर साउंड को रिकॉर्ड करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे अपन हाइड्रोफोन के नाम से जानते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसको अलग नाम करके दिया गया है कि जल के अंदर ध्वनि तरंग का मापन। ध्वनि तरंगे वही होती हैं जो किसी भी वस्तु से उत्पन्न की जाती हैं, किसी सोर्स से उनको निकाला जाता है, तो इनका मेजरमेंट क्या आता है? हाइड्रोफोन की सहायता से। नेक्स्ट है कैलोरी मीटर। ऊपर लिखा हुआ है कैलोरी मीटर और नीचे लिखा है कोलोरी मीटर, तो दोनों में डिफरेंस है, सिमिलर दोनों नहीं है। तो कैलोरी मीटर से अपन नापते हैं ऊष्मा, क्या नापते हैं? ऊष्मा, जिससे अपन बोलते हैं हीट। तो ऊष्मा का मापन करने वाले उपकरण का नाम क्या है? कैलोरी मीटर। अब यहाँ पे आपको बताना है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। बेसिकली जो ऊष्मा होती है इसका एसआई मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। ये बात आपको इसमें याद रखनी होती है, ठीक है। और यदि आपसे इसमें कुछ और पूछें तो उसके लिए हम आगे चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कोलोरी मीटर। कोलोरी किसका निकल के आया? कलर, कलर प्लस मीटर, तो ये बना है कोलोरीमीटर। किसी वस्तु के रंग को बताने के लिए हम जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे अपन कोलोरीमीटर कहते हैं। तो एक है कोलोरीमीटर, दूसरा है कैलोरीमीटर, तो दोनों में डिफरेंस है। कई बार पढ़ते समय जल्दबाजी नहीं करना है, ये नापता है हीट को और ये नापता है वस्तु के रंग को, तो दोनों बातें हमें अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ। ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। इसका काम क्या होता है कि भूकंप की तीव्रता को ये मापता है। जब कभी भी भूकंप आते हैं तो उनकी जो इंटेंसिटी होती है उसको बताने का काम कौन करता है? सिस्मोग्राफ करता है। तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है। चलिए लास्ट के कुछ और बचे हुए 25 जो इसमें जो बचे हुए 5 और उनको हम डिस्कस इसमें कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी में। नेक्स्ट है ओडोमीटर। अब ओडोमीटर आपने कई बार नाम सुना होगा कि ओडोमीटर क्या होता है। बेसिकली जो हमारे पास व्हीकल्स हैं, जितने भी वाहन हैं, उन वाहन के द्वारा जो भी दूरी तय की जाती है उस दूरी का मापन जिस यंत्र की सहायता से करते हैं उसे बोलते हैं ओडोमीटर। जैसा कि वाहन में, गाड़ी में क्या होता है, एक रील टाइप की लगी होती है जो आगे समय जैसे जैसे पहिया घूमता है वैसे वैसे वो आगे बढ़ती है, तो उस रील का नाम ही क्या होता है? ओडोमीटर, जो हमें बताती है कि दूरी, मतलब हमारा जो मीटर है ऐसे कुछ बना होता है, वो यहाँ पे कुछ नंबरिंग लिखे होते हैं और कुछ यहाँ पे नंबरिंग लिखे होते हैं और कुछ यहाँ पे नंबरिंग लिखे होते हैं, तो ये वाला मीटर
हमारी गाड़ी की रनिंग के साथ में गोल गोल क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है, जिससे हमें पता चलता है कि गाड़ी हमारा कितना किलोमीटर चल चुका है। तो इस दूरी को मापने के लिए हम जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या है, ऑडोमीटर। इसी के सिमिलर एक और नाम है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या होता है, आजकल तो गाड़ियों में डिजिटल आता है, हमारी जो गाड़ी का जो आगे जो लगा होता है, एक तो ये लगा रहता है जिसे अपन ने क्या बोल दिया, ओडोमीटर, उसके साथ एक कांटा लगा होता है, यहाँ पे वैल्यू लिखी होती है 10, 20, 30, 40 ऐसे करके। तो यहाँ पे ये गाड़ी का कांटा ऐसे कई बार ऊपर नीचे मूव करता रहता है। तो और हमें यहाँ लिखा होता है कि किलोमीटर प्रति घंटा, यदि ये 40 पे है तो एक घंटे में गाड़ी 40 किलोमीटर चलेगी। तो किसी ये हमें बताता है गाड़ी की चाल कितनी है, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो किसी भी वाहन की चाल का यदि आपको मापन करना है तो उसको नापते हैं अपन कैसे, स्पीडोमीटर से। एक बात और जान लेते हैं, दूरी का यदि ऐसा ही मात्रक पूछे तो आंसर क्या होता है, मीटर। और यदि आपसे चाल का ऐसा ही मात्रक पूछे तो आंसर क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, दोनों बात हमें इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट है मैग्नेटोग्राफ। नाम से समझ में आ रहा है मैग्नेट, मैग्नेट मतलब होती है चुंबक। तो जब हम किसी चुंबक को इस प्रकार से रखते हैं, एक इसमें नॉर्थ पोल होता है, एक होता है साउथ पोल, तो इसके चारों ओर ऑटोमेटिक आदृश्य एक फील्ड बन जाती है, एक क्षेत्र बन जाता है। यदि इस क्षेत्र के आसपास हम किसी लोहे के टुकड़े को लेकर जाएं, किसी कील को लेकर जाएं, तो ये क्षेत्र इस लोहे की जो कील है उसको अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। तो उसी को हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र का मापन जिस यंत्र की सहायता से किया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटोग्राफ कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं विस्कोमीटर। विस्कोमीटर क्या होता है, किसी भी द्रव पदार्थ की श्यानता का मापन। श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन। क्या होता है, गाढ़ापन। कोई भी वस्तु जो कि द्रव पदार्थ में दी गई है या द्रव स्टेट में दे रखी है, वह कितनी अधिक गाढ़ी है, गाढ़ापन कितना है उसमें, तो उसी को बताने वाली जो चीज़ होती है, जो ऑब्जेक्ट होती है, उसी को बोलते हैं अपन क्या, श्यानता। तो उसको मेज़र करने का तरीका क्या होता है, विस्कोमीटर। जैसे यदि आप एक चम्मच में या एक स्पून में आप एक चम्मच शहद लें और एक में पानी लें, दोनों को नीचे गिरा के देखें तो पानी जल्दी आ जाएगा, शहद आराम आराम से आएगी, क्योंकि शहद पानी की अपेक्षा बहुत गाढ़ा होता है। तो जो द्रव पदार्थ जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी अधिक होगी। तो इसी गाढ़ेपन को मापने के लिए हम जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसका नाम है विस्कोमीटर। नेक्स्ट है लास्ट में बैरोग्राफ। ऊपर हमने पढ़ लिया था बैरोमीटर और हम नीचे पढ़ रहे हैं बैरोग्राफ। ये क्या होता है, देखिए क्या होता है कि वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं वो हर एक समय एक समान रूप से हमारे ऊपर प्रेशर नहीं लगाती हैं। कई बार ये प्रेशर क्या होता है, ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है। कई बार हवाएं तेज चलती हैं तो प्रेशर ज़्यादा लगता है बॉडी पे, कई बार हवाएं कम कम चलती हैं तो प्रेशर कम लगता है। तो हमारे वातावरण में वायुमंडलीय दाब में होने वाला परिवर्तन, मतलब कभी बढ़ गया कभी कम हो गया, जैसे मैं एक ग्राफ के थ्रू आपको बताना देना चाहता हूँ उसमें कैसे बढ़ता है। जैसा कि यहाँ पे ये कम हो गया फिर बढ़ गया फिर कम हो गया फिर बढ़ गया फिर कम हो गया फिर बढ़ गया, तो इस प्रकार की जो मूवमेंट होती है ये वाली चीज़। तो इस ग्राफ को बताने के लिए हम जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, बैरोग्राफ। ये ECG नहीं है, ये दूसरा मेथड है। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब में होने वाले जो चेंजेस होते हैं, मतलब कभी प्रेशर आपका बढ़ गया कभी क्या हो गया कम हो गया, मतलब इस वेरिएशन को मेज़र करने के लिए हम जिस उपकरण का यूज़ करते हैं वो कौन है, बैरोग्राफ। और पीछे मैंने आपको पढ़ाया था कि वायुमंडलीय दाब को मापने की जो इकाई होती है वो क्या होती है, पास्कल होती है। और किस यंत्र से नापा जाता है, इसको बैरोमीटर से नापा जाता है। ये बात हमने ऊपर जान ली है। तो ये आज की क्लास में हमारे कुछ महत्वपूर्ण ये उपकरण थे जो कि आपकी क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।